दोस्तों इस वीडियो में हम डीजी प्रोफाइल में फोटो और सिग्नेचर चेंज करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस प्रोसीजर में रिजेक्शन के चांसेस बहुत हैं। मेरे एक फ्रेंड का 3 बार रिजेक्ट हुआ था, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपका रिजेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा, और ये भी बताऊंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई और उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन था। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये फोटो और सिग्नेचर चेंज करना क्यों ज़रूरी है। अगर नहीं चेंज किया तो नहीं चलेगा क्या? तो गाइज नहीं चलेगा, क्योंकि डीजी के न्यू रूल के हिसाब से हमें हर 5 साल में अपना फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करना है। अगर नहीं किया तो हम जो ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं एग्जिट एग्जाम्स, जैसे PST, PSSR, Okta, GTFC, ये सब एग्जिट एग्जाम्स करते हैं, उसका हमारा ई लर्निंग हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई लर्निंग के लिए वो फेस वेरिफिकेशन मांगता है। अगर आपका फोटो और सिग्नेचर 5 साल पुराना है तो वो आपका वेरीफाई नहीं करेगा, जिससे आप ई लर्निंग नहीं कर पाओगे। ई लर्निंग नहीं कर पाओगे तो उसका असेसमेंट नहीं दे पाओगे, और असेसमेंट नहीं दोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। डीजी ने इसके लिए एक सर्कुलर भी लाया है जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे चेंज करना है वो बताया है। ये रहा वो डीजी का सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 7 of 2021। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसमें सब कुछ लिखा है, आप एक बार देख लेना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज करने की ज़रूरत है भी या नहीं, मतलब वो फ़ोटो और सिग्नेचर को 5 साल हो भी गए या नहीं हुए। तो ये मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपली गूगल पर टाइप करना है सी फेरर्स रजिस्ट्रेशन और एंटर करना है। फिर जो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा ये वाला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको आपका इंडोस नंबर और उसका पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा अपडेट सी फेरर प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करना है। यहाँ फोटो और सिग्नेचर के कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ लेना। फिर जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर दिखेगा, और इसके जस्ट बाजू में हमें डेट दिखेगी कि हमने इस फ़ोटो और सिग्नेचर को कब अपलोड किया था। जैसे मेरा फ़ोटो 4 मार्च 2021 को मैंने अपलोड किया था, और सिग्नेचर 1 अगस्त 2018 को। तो अगर ये जो डेट है ये आज की डेट से 5 साल पुरानी है तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना ही होगा। तो गाइज अभी तक हमने देखा कि हम कैसे चेक करें कि हमने लास्ट टाइम अपना फ़ोटो और सिग्नेचर कब अपलोड किया था। अब आता है वीडियो का मेन पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि हमें नया फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। आप अपना मोजिला फायरफॉक्स ओपन करो और URL में ये लिंक टाइप करो 220.156। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। ये URL टाइप करने के बाद एंटर करो, ये आपको सीधा इस पेज पे ले आएगा। यहाँ आपको आपका इंडोस नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ आपको वेरीफाई प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है। फिर नीचे यहाँ आपको दिख रहा होगा योर इंडोस फोटो इज नॉट एज पर गाइडलाइंस टू अपलोड फोटोज क्लिक हीयर, इस क्लिक हीयर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा गाइडलाइंस फॉर द सी फेरर बिफोर अपलोड्स फोटो सिग्नेचर फॉर चेंज क्लिक हीयर। जैसे ही आप इस ब्लू वाले क्लिक हीयर पर क्लिक करोगे वैसे ही एक PDF ओपन होगा, उस PDF में आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप अपलोड करने से पहले एक बार ये PDF देख लेना, मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके जो भी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है वो सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर दो। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टार्ट वेबकैम पर आपको क्लिक करना है, आपका कैमरा चालू हो जाएगा। फिर आपको अपना लाइव फ़ोटो लेना है, इस कैप्चर इमेज पर क्लिक करके आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। इसके बाद आपको वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करना है। वेरीफाई फ़ोटो पर क्लिक करते ही यहाँ आपको ग्रीन कलर में वेरीफाइड सक्सेसफुली दिखेगा। अब यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ एक एक करके 3 बार फ़ोटो क्लिक करनी है और अपलोड करना है। फिर नीचे इस नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपको अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जिस पे फ़ोटो होता है वो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके लिए ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दो। फिर यहाँ वेरीफाई पासपोर्ट पर क्लिक करो।
अब यहाँ आपको दिख रहा होगा स्कैंड पासपोर्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हो। जैसे मेरा बता रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड इज़ अंडर प्रोसेस। फिर 24 से 48 आवर्स के बाद आप वापस से चेक करो, जो भी स्टेटस रहेगा वो इस पर बता देगा। मैं एक दिन बाद फिर इसको देख रहा हूँ, अब ये बता रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड एंड इंडोस फोटो इज़ अपडेटेड, मतलब मेरा नया वाला फ़ोटो अपडेट हो गया है। तो ये था हमारा फ़ोटो चेंज करने का प्रोसेस। अब अगर आपको सिग्नेचर चेंज करना है तो आप चेंज सिग्नेचर पर क्लिक करो और सेम प्रोसीजर है फ़ोटो चेंज करने जैसा ही है। इस पर आपको पहले की तरह पासपोर्ट अपलोड करना है और सिग्नेचर का JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना है। फिर एट लास्ट वेरीफाई सिग्नेचर पर क्लिक करना है। फिर वही 24 से 48 आवर्स के बाद आपका सिग्नेचर भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ रिपोर्ट इश्यू पर क्लिक करके अपना मैसेज टाइप करके इनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था कि पासपोर्ट का कौन सा पेज अपलोड करना है और कैसे करना है, तो मैं PDF फाइल अपलोड कर रहा था। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि PDF अपलोड करने के बाद ये रेड कलर शो हो रहा है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, ये अपलोड ही नहीं होगा। मुझे बाद में पता चला कि PDF नहीं फ़ोटो अपलोड करनी होती है JPG फॉर्मेट में, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देखो अभी मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने ब्राउज़ पर क्लिक किया और ये पासपोर्ट का फ़ोटो JPG फॉर्मेट में सिलेक्ट किया। अभी ग्रीन तो हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इस वेरीफाई पासपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो एक ऐसा मैसेज शो करता है, प्लीज़ अपलोड स्कैंड पासपोर्ट पेज। इसका मतलब मेरा पासपोर्ट अपलोड नहीं हुआ। मैं पूरा दिन फ़ोटो में चेंजेस करता रहा, कभी फ़ोटो को क्रॉप किया, कभी फ़ोटो के साइज़ को चेंज किया, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। अब बाद में जब मैंने ये जो ब्लैक कलर का शेड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको हटाया, इसको क्रॉप किया और अपलोड किया, तो फाइनली मेरा वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब मेरी गलती थी कि मैं उसको क्रॉप बराबर नहीं कर रहा था और शेड ज़्यादा दिख रहा था। आप भी ये गलती मत करना। टिप नंबर 1, आपका जो पासपोर्ट का फोटो है उसको JPG फॉर्मेट में रखना, और जो स्कैन करने के बाद जो साइड में ब्लैक शेडेड पोर्शन होता है उसको आप अच्छे से क्रॉप कर लेना। थोड़ा सा माइनर रहेगा तो चलेगा, नहीं तो ज़्यादा रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसा मेरे साथ हुआ था। टिप नंबर 2, आपका जो फोटो आपके फेस का फोटो उसको भी अपलोड करने के कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे वो फोटो 35mm x 35mm होना चाहिए, आपका जो फेस है वो 70% कवर होना चाहिए फोटो में, और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करना है, एक फोटोग्राफर के पास जाना, उसको ये गाइडलाइंस बताना, वो आपको ऐसा बना के देगा। अगर ऐसा नहीं करता तो आप उससे एक फ़ोटो निकलवाना और उसका सॉफ्ट कॉपी आप ले लेना। उसके बाद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करो और उसमें सर्च करो इमेज साइज, जो आपको पहला वाला ऐप दिख रहा है उसको आप इंस्टॉल करके ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करो और जो भी फ़ोटो आप अपलोड करना चाहते हो वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लो। फिर यहाँ ऊपर दिया हुआ है पिक्सल, mm, सेंटीमीटर, इंच, तो आप mm पर जाओ और 35mm x 35mm टाइप करो, वो 35mm का फ़ोटो हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोटो को ऐसा बनाओ कि आपका जो फेस है वो 70% कवर होना चाहिए फ़ोटो में। फिर सिंपली आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लो गैलरी में। अब ये देखो गैलरी में यह फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो, इसमें रिजेक्शन के चांस कम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।